हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं टेक साफ्ट। बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं आईफोन को लेके, कौन कौन से मॉडल कैसे होते हैं। आज की वीडियो अगर आप पूरी देखते हो तो मैं उम्मीद करता हूं आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी, क्या प्रोसेस होता है और कैसे अनलॉक होता है, ठीक है। कौन कौन से मॉडल होते हैं, बहुत ज़्यादा मैसेज हैं और ऊट पटांग मैसेज आते हैं। एग्जाम्पल के लिए आईफोन 10R है मेरे पास और वो मैंने कहा अभी मेरे को पाया हुआ मिला था, अब उसको अनलॉक करना है, मेरे पास उसका बिल बॉक्स नहीं है। बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं इस चीज़ को लेकर, यूट्यूब पे भी आते हैं, व्हाट्सएप पे भी आते हैं। तो अक्सर मैं क्या करता हूँ, मैं आईफोन जो 10 से ऊपर के मॉडल होते हैं उनको लेता ही नहीं हूँ। जो मेरे पास आएगा, जो ऑफलाइन वाले मॉडल होते हैं, मैं उनको ले लेता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आईफोन 11 आया हुआ है जो कनेक्ट हुआ है। ये 3Rule सॉफ्टवेयर है, अगर आप एक नॉर्मल कस्टमर हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि फ्री है और विंडोज़ के लिए है ये, ठीक है। इसको आप यूज़ करेंगे, मोबाइल ऑन कंडीशन में होगा, तो जैसे कि मोबाइल हेलो स्क्रीन पर है, तो हेलो स्क्रीन पर जब होता है तभी वो PC शो करता है। याद रखो इस बात को, फोन डिसेबल है, फोन अनेबल है, ठीक है। फोन रिकवरी पे तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चाहे आप शॉपकीपर हैं, चाहे आप नॉर्मल कस्टमर, आपको बता देता हूँ। ऑन कंडीशन में होता है तभी ऑप्शन आता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कौन कौन से मॉडल होते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, कौन सी वेबसाइट अनलॉकिंग के लिए सही है, कौन सी गलत है, सिम लॉक कैसे होती है, अनलॉक नहीं होती, क्या क्या प्रोसेस है, ठीक है। देखो, दो तीन प्रोसेस है जो कि बहुत ही नॉर्मल है, ठीक है। कौन कौन से मॉडल होते हैं, तो आईफोन जो शुरू हुआ था वो आईफोन 4 और भी 5 मार्केट के अंदर हैं, बट उनका अनलॉकिंग नहीं होती। 5S लास्ट मॉडल है जो कि शुरुआत के लिए मॉडल है, जिसका iOS वर्जन 12 ही लास्ट है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। तो आईफोन 5S से लेकर आईफोन 10 तक के मॉडल बाईपास होते हैं, बट उनका परमानेंट कर सकते हैं, बट वो महंगे पड़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे पास एक सेकेंड, ठीक है, आईफोन का ये तो हो गया 11 प्रो मैक्स, एक ये मेरे पास हो गया, एक सेकेंड, ये 11 हो गया, मैं इसको लगाता हूँ। ये देखो, ये मेरे पास आईफोन 8 प्लस। भाई मैं, मेरे को अगर मेरे पास ये फ़ोन है और मेरे को इसको अभी अनलॉकिंग करवानी है, आई क्लाउड अनलॉक करवाना है इसको, ये कि ऑलरेडी है, ठीक है। ये मैं एक सेकेंड दिखा देता हूँ आपको, ये ऑलरेडी है, मैंने इसको बाईपास कर रखा है। ये रियल टाइम स्क्रीन पे जाएंगे हम, मोबाइल के अंदर अलाउ करना पड़ता है आपको एक बार जाके, ठीक है। तो यहाँ पे शो कर जाएगा मेरा स्क्रीन जो है पीसी की, मोबाइल की, ठीक है। ये वर्किंग कंडीशन में है। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ, देखो आईफोन 5S से लेकर आईफोन 10 तक के बाईपास कराओ बेहतर है। उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये होती है कि ये मॉडल जो होते हैं ना बाईपास वाले, वो सस्ते में होते हैं। आईफोन 8 है, इसकी इतनी वैल्यू नहीं है, जितने का ये मोबाइल नहीं होता नहीं कि परमानेंट का रेट पड़ जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं। जाहिर सी बात है, आईफोन 5S से लेकर आईफोन 10 बाईपास करने की एक वजह, सबसे बड़ी वजह ये है कि सस्ता रेट पड़ता है। 5S का तकरीबन 800 रुपये, 1000 रुपये पड़ेगा, आईफोन 10 का लास्ट 4000 पड़ेगा। तो इन बीच में ये वाले मॉडल होते हैं। ये मॉडल जो है आईफोन 8 प्लस कितने में हो रहा है, ये 2800 या 3000 में हो रहा है, और परमानेंट होगा तकरीबन 7 से 8 हज़ार रुपये में, तो इतने का तो मॉडल नहीं है। वजह क्या बनती है, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं इस बात को, अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो मैं पूरा बताऊँगा, 14-15 सब बता दूँगा कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। देखो, एक चीज़ होती है एक होता है बाईपास, ठीक है। परमानेंट का मतलब होता है कि आप अपने मोबाइल के अंदर एनीथिंग कुछ भी कर सकते हैं, रीसेट करो, अपडेट करो, एवरीथिंग, कुछ भी जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको रीसेट कर दो, सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये होता है परमानेंट। परमानेंट जो मॉडल होते हैं, हो जाते हैं ये वाले मॉडल भी, बट नहीं करवाया करो, कोई बेवकूफ़ी वाली हरकत है। उसकी सबसे बड़ी वजह, अगर आप एक शॉपकीपर हैं और आप यूज़ करते हैं, तो ये वाले मॉडल आप बाईपास करवाते हैं किसी भी टूल से, चाहे आई डी मोबाइल प्रो से कराओ, आई की से कराओ, आई रिमूव से करवाओ, मैकबुक के SMD से कराओ, मैकबुक के एल प्रो से करवाओ, या किसी भी टूल से कराओ, मैकबुक के या विंडोज़ के, बाईपास हो गया, ऑन हो गया सेट, कस्टमर सामने बैठा है, उससे एक ये बात कह दो कि भाई वन टाइम मैं फ्री में करके दूंगा, क्योंकि IMI अगर एक बार एक्टिवेट हो जाता है तो उसके बाद कोई टेंशन ही नहीं है ना, क्योंकि आप बाईपास कर सकते हो इजीली, चाहे कोई भी टूल हो उसके अंदर, ठीक है। या फिर आप अनलॉक टूल के अंदर उसके चीज़ को जो उसका डिसेबल कर दो, उसका फैक्ट्री रिसेट, कि वो रिसेट नहीं कर सकता, उसको अपडेट डिसेबल कर दो, ख़त्म करनी जो चीज़ टेंशन की वही चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो परमानेंट का मतलब होता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। बाईपास के अंदर आप दो चीज़ नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते सेट को और रिसेट नहीं कर सकते। अगर इसको करते हो तो वापस से एक राउंड लगेगा, बट फ्री में हो जाएगा, क्योंकि जो टूल आपने यूज़ करा था पिछली बार बाईपास करने के लिए, वही टूल एक्टिवेट रहता है। IMI एक बार एक्टिवेट होता है, ना कि बार बार, ठीक है। क्योंकि बट ये बात सबको नहीं पता होती, तो अच्छी खासी अर्निंग कर लेते हैं शॉपकीपर्स इस बात को लेके। बट ये कि हम अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि अगर कस्टमर सामने है उसका IMI मैंने एक बार एक्टिवेट कर दिया, तो मैं कह देता हूँ कोई मसला नहीं है, आप एक बार सेट को अगर आपने रिसेट कर दिया या फ्लैश कर दिया, वापस से जेलब्रेक करो एंड देन एक्टिवेट कर लो, आप खुद कर सकते हो, स्टार्ट का बटन आ जाएगा, आप आई की यूज़ कर सकते हो, आप आई रिमूव यूज़ कर सकते हो,
ठीक है, समझ गए इस बात को, इजीली मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, बात ये आती है कि आमिर भाई यूट्यूब पे या फिर गूगल पे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जिनके अंदर परमानेंट का वो दे रखा होता है, वहाँ पे हम पेमेंट करते हैं, देन हो जाएगा, सब लुमिनारी वाली चीज़ें हैं, तो ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। उन पर जो कमेंट्स होते हैं वो उन्हीं लोगों के होते हैं, फेक कमेंट जो होते हैं, तो जो ट्रस्टेड वेबसाइट होती है ना उन पर मत जाया करो। मार्केट अंदर ट्रस्टेड वेबसाइट नहीं है, पहले बात मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि HTTPS भी लगा हुआ है और बहुत सारा कमेंट्स भी आए हुए हैं उस पर, यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा लोगों ने उसका एडवर्टाइजमेंट भी कर रखा, सब उल्लू बनाते हैं, है ना। तो अपडेट और रीसेट वाली ये तो समझ गया बाईपास क्या होता है। अब इसके बाद बात ये आती है कि ये वाले जो मॉडल हैं, 10 से ऊपर के जो मॉडल हैं, 10R जो मॉडल है, 10X, 10X मैक्स, 11, 11 प्रो मैक्स, 13, 14 जो भी मॉडल आ रहे हैं मार्केट के अंदर, उनका क्या प्रोसेस है। देखो एक चीज़ बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, 5S, 6, 6 प्लस, ठीक है, और 6S प्लस, ये चार मॉडल है मार्केट के अंदर जिनका जेल ब्रेक जो होता है वो होता है, ठीक है। तो जेल ब्रेक करना पड़ेगा तो ज़रूरी है, तो उसके लिए तो बूटेबल पेन ड्राइव बनाओ या फिर जो भी आपका प्रोसेसर है, आई रिमूवल प्रो, आई रिमूवर, एवरीथिंग ऐसे। अगर मैकबुक है, अगर आईफोन का काम आपके पास ज़्यादा आता है तो आप मैकबुक यूज़ करो, ऑल टाइम बेस्ट है। एक बार में आपका जो भी प्रोसेस है अच्छा सस्ता पड़ता है, टूल जो मैकबुक का SMD टूल है या फिर जो भी टूल है आई रिमूवर, वो रेट सस्ता पड़ता है। अगर आपके पास आईफोन का काम ज़्यादा आता है, मेरे पास ज़्यादा आता है तो मैं मैकबुक यूज़ करता हूँ, रेट अच्छा मिल जाता है मेरे को, ठीक है, और ईजी प्रोसेस होता है। आई रिमूवल प्रो में प्रोसेस लंबा है, मतलब ये है कि वो कभी कभी स्टक हो जाता है, कभी कभी आगे नहीं बढ़ता, तो ये जो मैकबुक है हमारा वो ईजिली कर देता है, ठीक है। तो ये जो मॉडल है इनको आपको जेलब्रेक करना पड़ता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है जेलब्रेक का, ये यस आ जाता है। अब यस का मतलब ये होता है कि अब जो भी टूल है वो इजीली वर्क करेगा, वो कहेगा कि भाई जेलब्रेक का आगे बढ़ा दो। इसके बाद जो मॉडल आते हैं वो आता है 6S आता है, या फिर 6S प्लस आता है, या फिर 7 वाली सीरीज आती है, या 8 आती है, या फिर 10 आती है, ठीक है। तो इसके अंदर iOS वर्जन जो है वो 12 तक है, और 6S, 6S प्लस और 7 तक का जो वर्जन है iOS वर्जन वो 15 है लास्ट, और 8 और 10 का iOS वर्जन 16.6 है, जैसे कि ये वाला 16.4.1 है। स्मार्ट फ्लैश पे जाऊँगा तो अब 17 का बेटा आ गया। हाँ, एक चीज़ और, बेटा वर्जन आप खुद मत करा करो, बेटा वर्जन, तो बेटा वर्जन का मतलब होता है कि अभी डेवलपर जो है इस पर काम कर रहे हैं तो उसको आप यूज़ मत करिए। तो जो लास्ट वाला हो 16.6 है उसको आप डाउनलोड करके फ्लैश कर सकते हैं, इसलिए ये वाला वर्जन यूज़ कर सकते हैं लास्ट वाला। बेटा वर्जन अभी अपडेट नहीं आया, जब कंपनी खुद अपडेट देती है तो ऑल टाइम बेस्ट होता है, ठीक है। ये वाले जो मॉडल हैं, ये वाले मॉडल, इनको आप आई रिमूवल प्रोसेस करोगे एंड देन उसके बाद एक्टिवेट करोगे, हमेशा याद रखिएगा। बहुत लोगों को कंफ्यूज है इस बात को लेके, कोशिश करूँगा, देखो मेरे PC में आई रिमूवल प्रो काम नहीं करता, तो कोशिश करूँगा कोई PC लाऊं, फिर आई रिमूवल प्रो का एक पूरा कोर्स बनाऊं, उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, ठीक है। अब ये बात हो गई, अब ये बात हो गई कि भाई ये जो 10 से ऊपर के मॉडल हैं, 10R से लेके 14 जो सीरीज़ है, 14 प्रो मैक्स तक लास्ट है अभी मार्केट के अंदर, इसके ऊपर मॉडल नहीं आया, तो वो कैसे होते हैं। दो तीन प्रोसेस हैं अभी मार्केट के अंदर। एक टूल आया था हरमस के नाम से, जैसे कि ये वाला है, मैं गूगल करता हूँ हरमस टूल, तो इन्होंने ये फर्स्ट टूल आया था मेरी लाइफ के अंदर, कि इन लोगों ने क्या करा था कि विंडोज़ और मैकबुक का लाए थे एंड देन 15-20 मिनट में आपका FMI ऑफ हो जाता था, लेकिन शायद इलीगल था या लीगल था क्योंकि लोस्ट मोड भी ऑफ कर रहा था, ये जो जिन पर केस हुआ हुआ था उनको भी ऑफ कर रहा था। अब अल्लाह जाने क्या मसला बना इनका, ये सर्वर ही ऑफ हो गया इसका, तो इसको आपको टूल को डाउनलोड करो। और हम इसका टेलीग्राम पे चेक करते हैं, व्यू इन टेलीग्राम हो जा भाई, एक तो टेलीग्राम में मसला ये है कि ये ग्रुप का बड़ा मसला है, ग्रुप बेइंतहा है। अगर आप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो टेक साफ सर्च करें, मेरा टेलीग्राम का चैनल आ जाएगा, आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। ए बिग थैंक यू, बस यही लास्ट वाला आया हुआ है कि भैया 20,000 सब्सक्राइबर हो गए भाई, सर्विस ऑफ कर दो, सर्विस अभी इनकी ऑफ है, जून 29 जून से सर्विस इनकी ऑफ है, ठीक है। अब जुलाई अगस्त 2 महीने हो गए, तो आप यहाँ पर देखें इनका जो ये फर्स्ट सर्विस है, इसके अलावा कोई भी मार्केट के अंदर टूल आया, मतलब इन्हीं के जैसे बहुत सारे मार्केट के अंदर टूल थे वो यही थे, बट लेकिन यह है कि अभी इनकी सर्विस ऑफ है, तो ये रहा ना नाउ टू सर्वर स्टेटस, ठीक है। तो इसके अलावा अभी जो सर्विस है वो एक सर्विस हम लोग कहते हैं इंडियन सर्विस। इंडियन सर्विस का मतलब होता है कि अगर आपके पास सेट क्लीन है, क्लीन मोड कैसे चेक होता है, देखो ये ना इसके IMI यहाँ से उठाओ, और वैसे तो बहुत सारी वेबसाइट है बट एक वेबसाइट है, एक सेकंड, IMI ये जो कि मेरे को अच्छी लगती है, तो सबसे पहले IMI चेक करें आप यहाँ से इसका, और जो भी आपका डीलर है, जो भी आपका जिससे आप आईफोन करवाते हो, क्योंकि आईफोन में मसला ये होता है कि कस्टमर जो सामने वाला है उससे तो आप पेमेंट नहीं ले दोगे, लेकिन जब डीलर है उसको पेमेंट बाद में दोगे, क्योंकि हमारी पेमेंट नहीं जाती तो हम लोग भी बाद में लेते हैं। हाँ, अगर कोई फर्स्ट कस्टमर होता है, नया कस्टमर आता है, तो उससे हम पहले पेमेंट लेते हैं, कभी वो एक्टिवेट होने के बाद आईफोन उसका अनलॉक हो जाए और वो हमको
ब्लॉक मार दे, ठीक है। तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन आ गया आईफोन की, एंड देन उसके बाद आपको चेक करना है कि सुनना आईक्लाउड लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। तो यहाँ से इसका IMEI डालें आप, एंड देन चेक कर लें, ठीक है। उसके बाद आप अगर इंडियन सेट है तो इंडियन सेट का पता चल जाता है थ्री टूल के अंदर, ये HNA आ गया, ठीक है। तो है इंडियन जो सेट होता है वो अभी का जो रेट, अगर फ्रेश IMEI है मतलब कि आपने कहीं और नहीं चेक करवाया, कहीं आपने मेहनत नहीं करवाई इस आईफोन पे, तो वो 10 से 15 दिन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। अभी पिछले दिन मैंने एक लगाया था मंडे को और वो 3-4 दिन में डन हो गया था, 11 Pro Max था वो, ठीक है। तो ये क्लीन है, देखो FMI ऑन का मतलब ये है कि फाइंड माई डिवाइस होना, मतलब iCloud लगा हुआ है, बट iCloud की जो स्टेटस है वो क्लीन है, मतलब ये कि है कि भैया बस लगा के भूल गए हैं, चोरी वोरी करने के। अगर लॉस्ट आएगा तो यहाँ पे लॉस्ट मोड आ जाएगा, ठीक है। अब प्रोसेस क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखो बात ऐसी है कि ना, जो प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग सबमिट करते हैं वो भी एक सीक्रेट है, कोई वेबसाइट नहीं है, कोई बंदा नहीं है, बस ये समझ लीजिए कि थर्ड पार्टी कोई एक चीज़ है जिसको हम IMEI देते हैं, और वो किसी और को देता है, वो किसी और को देता है, अब किसको देता कुछ पता नहीं है। अगर पता होगा तो इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो बैठा हुआ होगा जो कि इनको सबमिट कर रहा है, देन डन कर रहा है, ठीक है। तो जो क्लीन होते हैं जिनका ये होता है। अच्छा एक बात और, अगर आपके पास आपका आईफोन है, आपका बिल है, आपका बॉक्स है, कॉल करो कस्टमर केयर को, उनको बताओ कि मैं भूल चुका हूँ, बिल बॉक्स मेरे पास हैगा। वो आपको एक मेल भेजेंगे, वो आपको बताएंगे कि भैया इस वेबसाइट पर जाओ, टैक्स वो जो होता है ना आईफोन की रीसेट अपडेट की एक वेबसाइट है, उस पर जाएंगे, उस पर आपका मेल आएगा, वहाँ से आपको अपना जो बिल है उसको अपलोड करना है, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम बतानी है कि आपके मोबाइल में प्रॉब्लम क्या आ रही है, पूरा प्रोसेस बताओ। 10 से 15 दिन के अंदर आपका आईफोन का आईक्लाउड ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। ये क्या होता है, ये होता है कि अगर आपके पास बिल है, सिर्फ ओरिजिनल बिल है, तो आपका जो आईक्लाउड है वो फ्री में अनलॉक कर देते हैं। तो ये होता है, मैंने भी कर रखा है इसको कई बार, ठीक है। तो समझ गए होंगे, कोशिश करी है समझाने की, कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है, किसी की वेबसाइट की टेंशन मत पड़ा करो कि कोई वेबसाइट हमको मिल जाए, हम उसको पे कर दें एंड देन वहाँ से हमको इसका सॉल्यूशन मिल जाए, सब उल्लू बनाते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। तो बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि इसने मेरे साथ 2000 का फ्रॉड कर दिया, टेलीग्राम का उसका मैसेज आया था। अब मसला ये है कि किसी के पास, किसी को पाया, किसी को आईफोन 13 पाया, अब उसने शॉप पे जाके पूछा तो उसने बताया भाई 15,000 रुपये लगेंगे, और उसने टेलीग्राम पे देखा लोगों को तो वो कह रहे हैं भाई मैं 5,000 में अनलॉक कर दूँगा। अब उसको वो हो गया लालच कि यार ये तो 5,000 में अनलॉक कर रहा है, तो आप वहाँ पर चले जाओगे उसको अनलॉक करवाने के लिए, वो कहेगा कि एडवांस में 2,000 रुपये दे दो, 2,000 देते हैं अंडन आपको ब्लॉक कर देगा। तो ये रूल होता है, यही मार्केट के अंदर कर रखा है इन लोगों ने, कचरा कर रखा है। तो आपको मैं बहुत अच्छा तरीके से बता रहा हूँ कि अगर आपको करवाना है या फिर आप करवाना चाहते हैं, सिर्फ इंडियन हो और फ्रेश सेट हो, क्योंकि बाहर कंट्री का होगा तो फिर वो टाइम लगेगा, महीना भी जाएगा, 2 महीने भी जाएगा, कोई कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कंट्री के ऊपर, डिपेंड करता है केस के ऊपर कि फ़ोन के ऊपर केस कितना हुआ हुआ है, क्योंकि इसका सोल्ड इन्फो लेना पड़ता है हम लोगों को IMEI के ज़रिए कि मोबाइल के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है, मोबाइल कहाँ कहाँ किस किस ने एक्टिवेट करवाया है, तो एक पूरा सोल्ड इन्फो आ जाती है, फिर उसके बाद वो उसका हम लोग सबमिट करते हैं ऑर्डर को, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी, आईफोन की कैसे अनलॉकिंग होती है मैंने आपको बता दिया, कौन से मॉडल बाईपास होते हैं, कौन से अनलॉकिंग परमानेंट होते हैं, 10 आर से लेकर 14 तक से परमानेंट होगा, बाईपास नहीं होगा, ना जेलब्रेक होगा, ना कोई टूल यूज़ करेगा, बस 3 टूल से आप फ्लैश कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। बिल बॉक्स है तो इजिली फ्री है, नहीं है तो फिर वेट करो, या फिर टूल अगर ऑन होता है कभी हरमास टूल, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो शायद हो सकता है आपका ये सेट हो जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।